अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़खर। आप देख रहे हैं फ़खर टेक्निकल जीबी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वायरिंग के बारे में आपको बताएँगे, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है और कैसे फेस नोटल का वायर लगाया जाता है। तो ये एक बोर्ड हमने लिए हैं, इसे 6x2 का 6 स्विच हैं और 2 प्लग हैं इसके। तो अभी हमने इसके कवर निकाल दिए हैं और अभी हम यहाँ पे एक बटन इसके निकाल देंगे ताकि हम यहाँ पे फैन डैमर लगा सकें। तो हमने ये बटन निकाल दिया, अभी हम ये फैन डैमर है पंखे के लिए। तो अभी हम इसको लगाएंगे। लगाने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ से इसको दबाना है बस, क्लच के साथ ये लग जाता है और ये बिल्कुल प्रेस हो गया इस तरह। तो अभी हम इसके लिए वायर ले लेंगे, ये 729 का कॉपर वायर है। अभी हम इसको घुमा कर प्रेस करेंगे और अभी हम इसके सारे पेज ढीला करेंगे, इधर से हम इस वायर को गुजारेंगे। तो अभी हमने पेज ढीला कर दिए, तो अभी हम वायर को इधर से इस तरह यूँ एक साइड से गुजारेंगे, बिल्कुल क्रॉस करेंगे। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अभी हमने इसको एक साइड से गुजार दिए और फिर उस साइड से भी इसको ऊपर वाले लाइन से भी गुजार देंगे। तो अभी जाके ये लास्ट जो स्विच है उस पर लगा देंगे। तो वहाँ तक हमने वायर को गुजार दिए, अभी सारे पेज हम बिल्कुल टाइट करेंगे इसी तरह। तो ये हमने फेज़ वायर बोर्ड की मुकम्मल कर दिए और ये फेज़ कनेक्शन हो गया इसका। अभी दूसरे वायर हम ले लेंगे और ये दूसरे वायर को हम नोडल पे यूज़ करेंगे और पूरे बोर्ड में जो वायरिंग होती है वो फेज़ की होती है, एल लाइन की होती है। तो अभी हम प्लग की नोडल लगाएंगे प्लग के निचले वाले सतह पे। तो ये प्लग के सतह तक होगी, ये नोडल सिर्फ प्लग तक होगी। बाकी हमने स्क्रू इसके टाइट कर दिए और अभी ये फैन डैमर की फैन रेगुलेटर की जो तार है हम इसको स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑन ऑफ भी यहीं से भी होगा और डैमर में भी ही ऑन ऑफ होता है, लेकिन यहाँ से भी ऑन ऑफ होगा। तो अभी हमने इसको वायर को लगा दिया, दूसरा सिरा जो ये फैन को जाएगा फैन का प्लस। तो ये मेन हमने मेन लाइन लगाई है प्लस माइनस की, ये फेज़ और नोटल की, सॉरी फेज़ नोटल की लगा दिए और फिर ये वायरिंग किया। और अब फेज़ तो हो गया, नोटल फेज़ का हर एक बल्ब के लिए इस स्विच से चला जाएगा और नोडल यहाँ उससे ये जाएगा और हर एक स्विच से फेज जाएगी हर एक बल्ब के लिए और नोडल जो है कामन जाएगा, सबके लिए एक ही जाएगा। जहाँ से भी करीब पड़ता है नोडल हम वहीं से ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे ये नोडल कम वो मुकम्मल कर दिया हमने, अभी हम इसको मुकम्मल भी हम पैक करके आपको डायग्राम के ज़रिए भी हम इसका वो समझा देंगे आपके। ये बहुत ईजीली है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमने डायग्राम में इसका हम पहले स्विचेस के वो निशान लगाएंगे, ये स्विचेस हैं। तो अभी 2 स्विच नीचे लगा दिए, अच्छा तो ये हो गया, 2-4 स्विच हो गए। अभी 2 स्विच और करेंगे क्योंकि ये 6x2 का है। तो अभी ये प्लग हो गए, ये दो जो दायरे वाले प्लग हो गए हमने ये बना दिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो अभी हम से इसको मेन लाइन लाएंगे ये पोल से, समझो ये पैनल बोर्ड से या बोर्ड से, जिधर से भी आप पोल से लाओ। मेन लाइन हम डिस्ट्रीब्यूशन में ला दिए दोनों, एक फेज़ को लाया, दूसरा नोडल को। फेज़ को हम सारे बोर्ड के स्विचेस के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको हम नोटल को सिर्फ प्लग तक। तो अभी हमने ये बल्ब के निशान लगा दिए, ये बल्ब हो गए, तो 4 बल्ब हो गए।
अभी हम यहाँ पे हम अभी ये स्विच से फैन डैमर को हमने यहाँ से कनेक्शन दे दिए, तो अभी हमने ये फेज़ इसको फ़ैन को दे दिया, फेज़ फ़ैन को दे दिया, और दूसरी स्विच से हमने एक बल्ब को दिया, दूसरी स्विच से हर एक स्विच से एक बल्ब को हमने फेज़ दे दिया। अभी ये नोटल है, नोटल को हमने फ़ैन को दे दिया, फिर उसी से हम हर बल्ब को कॉमन दे दिया। तो ये दोस्तों ये बहुत इजीली हमने इसको कंप्लीट कर दिया। हर स्विच से फेज़ जाएगा हर बल्ब को, और बल्ब से नोटल कॉमन जाएगा सबके लिए। तो ये एल हो गए, ये सारे एल हो गए, ये भी एल हो गया, तो ये दोनों, ये नोटल हो गया, ये एल हो गया। तो दोस्तों ये मुकम्मल हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।